आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन x पावर n log x विद रिस्पेक्ट टू तो x क्लियर तो देखें इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर log x को लेते हैं पहले आगे और x पावर n को लिखते हैं पीछे ठीक है और इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ठीक है थीके? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन हो गया लोगेक्स और सेकंड फंक्शन हो गया हमारे पास एक्स पावर एन क्लियर तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास फर्स्ट इंटू सेकंड के इंटीग्रेशन का फर्स्ट इन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आता है क्लियर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का वन बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होल इंटीग्रेशन ये फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन क्लियर तो ये बना हमारे पास यहाँ पर x पावर n प्लस वन चल रहा है अपॉन में n प्लस वन चल रहा है और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है लोग एक्स माइनस यहाँ पे देखें आपके पास वन अपॉन एन प्लस वन तो कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा ऊपर चल रहा है एक्स पावर एन प्लस वन और डिनोमिनेटर में चल रहा है एक्स तो ये बनेगा हमारे पास एक्स पावर एन ठीक है तो इसका भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम तो फर्स्ट टाइम जो चल रहा है उसको एज इट इज चलना दें एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन लोग एक्स माइनस वन अपॉन एन प्लस वन एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आ रहा है ठीक है तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पर देखो इनमें अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं हम सिंपल तो डिनोमिनेटर में अगर हम बात करें तो पीछे की तरफ तो चल रहा है एन प्लस वन का होल स्क्वायर और आगे की तरफ चल रहा है एन प्लस वन तो मैं क्या करता हूँ इस पूरे में से डिनोमिनेटर में तो कॉमन लेता हूँ एन प्लस वन का होल स्क्वायर और न्यूमिनेटर में बात करें तो क्लियरली दिख रहा है हमको तो एक्सपावर एन प्लस वन कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग पार्ट क्या है फर्स्ट वाले में तो रिमेनिंग पार्ट है एक तो लोगेक्स और आपने एन प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो एन प्लस वन के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा एन प्लस वन बचेगा तो एन प्लस वन लोगेक्स ये रिमेनिंग पार्ट है फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म की अगर बात करें तो पूरा का पूरा सेकंड टर्म आपने कॉमन ले चुके हैं तो माइनस वन रहेगा ठीक है तो ये हमारे पास फाइनल आंसर तो ऑप्शन ऑप्शन में में चेक कर लें आप पावर के साथ N 1 का होल स्क्वायर नंबर थर्ड में आ रहा है रिमेनिंग पार्ट है एन प्लस वन लोग एक्स माइनस वन ठीक है तो ये भी सेम ही आ रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड में तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई, आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर